दोस्तों 18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला, जिसके बाद से एप्पल स्टोर और टिम कुक चर्चा में बने हुए हैं। लोग वहां जा रहे हैं, अपने फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एप्पल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिर भी उसे इंडिया में अपना स्टोर खोलने के लिए 25 सालों का टाइम क्यों लगा? आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम फ्री है। वैसे तो एप्पल 1997 से ही इंडिया में मौजूद है, लेकिन उस टाइम पर एप्पल इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में घबराता था। इसी वजह से वो अपने एक या दो ही प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया करता था। उसे लगता था कि इंडिया लग्जरी के मामले में एक बहुत ही घटिया मार्केट है, और एक तरीके से देखा जाए तो एप्पल की ये बात भी सही थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया के पास था ही क्या। उसके पास एक हिली हुई इकोनॉमी थी, बहुत सारे गरीब लोग थे और उनकी गिरी हुई इनकम थी। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं किया था। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, अगर किसी कंपनी को इंडिया में आना है तो उसको अपने रॉ मटेरियल की 30% सोर्सिंग इंडिया से ही करनी होगी। तो ऐसे में एप्पल ने इंडिया को एक अच्छा मार्केट नहीं माना। उसे तो एक ऐसे देश की तलाश थी जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। ऐसे में एप्पल का ध्यान जाता है इंडिया के पड़ोसी मुल्क चाइना पर। उसने देखा कि चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ की लेबर भी सस्ती है, मार्केट भी काफी अच्छा है। एप्पल ने देखा कि उसके प्रोडक्ट की 25% सेल चाइना से ही आ रही है। ये सब कुछ देखते हुए एप्पल ने चाइना में अपना स्टोर खोल दिया। एप्पल के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एप्पल के साथ साथ अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने अपने पांव चाइना में जमाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि इन कंपनियों के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना की इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करने में लग गया। और 2013 तक आते आते चाइना वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन गया। अमेरिका ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और पूरे विश्व पर इकोनॉमिकली राज करेगा। ऐसे में अमेरिका ने सोचा कि चाइना से अपने पांव कैसे खींचे जाए, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कंपनियों का पूरा प्रोडक्शन चाइना में ही था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादातर चाइना से ही हो रहा था। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। इस चीज को लेकर अमेरिका के सामने काफी सारी समस्याएं थी। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से बंद भी नहीं कर सकता था और अपने सेल्स को डाउन भी नहीं कर सकता था। अब अमेरिका ने सोचा कि करें तो क्या करें। फिर 2013 में अमेरिका ने वर्ल्ड की दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाई, जिसका नाम था चाइना प्लस वन। इसका मतलब था कि चाइना के साथ साथ एक और देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए, ताकि चाइना से थोड़ी डिपेंडेंसी कम की जा सके। अब आप ही बताइए कि चाइना का अल्टरनेटिव पूरी दुनिया में और कौन हो सकता है? इसका सही जवाब है इंडिया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। यहाँ की मार्केट भी काफी अच्छी हो चुकी थी और लेबर भी काफी सस्ती थी। अब इंडिया में भी लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ रही थी। अगर पिछले साल की बात करें तो इंडिया में एप्पल की सेल 50,000 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। अब एप्पल को लगने लगा था कि इंडिया एक काफी अच्छी मार्केट बन चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एप्पल का रेवेन्यू ग्लोबली 8% की दर से बढ़ रहा था, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो एप्पल का रेवेन्यू भारत में 25% की दर से बढ़ रहा था। और ये सब देखकर फिर 2016 में एप्पल ने सोचा कि अब तो इंडिया को ही टारगेट बनाना पड़ेगा। 2016 में एप्पल ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की, अगर इंडिया ने अपने 30% लोकल सोर्सिंग वाले रूल को हटा दिया तो एप्पल भी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा, लेकिन इस बार इंडिया ने एप्पल को मना कर दिया। 2016 में इंडिया में प्रीमियम फोन्स की सेल 4% से बढ़कर 7% हो चुकी थी। बस इसी को देखते हुए एप्पल की लार टपकने लगी। वो समझ चुका था कि इंडिया अब एक बेहतर मार्केट बन चुका है। इसी को देखते हुए उसने सोचा कि क्यों ना अपनी एक रिसर्च लैब इंडिया में खोली जाए। बस उसने हैदराबाद में 2016 में अपनी एक रिसर्च लैब को स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद से फिर वो इंडिया की मार्केट को और ज्यादा गहराइयों से देखने लगा। 2018 में एप्पल ने अपनी पुरानी टीम जो 1997 से यहीं पर मौजूद थी उसको भी बदल दिया, और नोकिया के चीफ कस्टमर ऑपरेशन ऑफिसर आशीष चौधरी को इस टीम का ऑपरेशन हेड बना दिया, क्योंकि नोकिया ने इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए थे और आशीष चौधरी को इंडिया की मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान था, इसीलिए एप्पल ने आशीष को ऑपरेशन हेड बना दिया।
वहीं दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए। मेक इन इंडिया के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 30% सोर्सिंग वाले रूल को भी हटा दिया। ऐसा करने से एप्पल के मजे आ गए और एप्पल ने अपने प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ा दिया। आपको याद ही होगा कि जब एप्पल के प्रोडक्ट्स ग्लोबली लॉन्च हो जाया करते थे, फिर भी उन्हें इंडिया तक पहुंचने में काफी समय लगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया में एप्पल का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। लेकिन अब एप्पल ने इंडिया में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है और यही वजह है कि आईफोन के लॉन्च होते ही इंडिया की मार्केट्स में आईफोन अवेलेबल हो जाता है। अब एप्पल इंडिया में अपनी सेल को बढ़ाने की सारी कोशिशें कर रहा है। आपको इमेजिन स्टोर पर एप्पल के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर एप्पल ने अपने प्रीमियम रिसेलर भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर आप एप्पल के सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके बाद एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर भी लॉन्च कर दिया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एप्पल ने अपने सेल्स को बढ़ा दिया है। और अब जब सब कुछ कर ही दिया है तो अब 26 सालों के बाद एप्पल ने मुंबई में अपना पहला एप्पल स्टोर भी लॉन्च कर दिया है। वैसे तो एप्पल पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, लेकिन भारत 23वां ऐसा देश बन चुका है जहां पर उसने अपने एप्पल स्टोर को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही काम की और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।